हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी डिशेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई डिश के साथ। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं गोभी मंचूरियन की डिश, जो कि सभी को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत पसंद भी आती है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गोभी ली है, जिसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर रखा है। तो मंचूरियन बनाने से पहले हम इसको वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, काफ़ी आपको जो गोभी है वो पानी में अच्छे से डिप कर लेनी है। और अब हम इसको दोनों हाथों से इस तरीके से थोड़ा मसलते हुए, मतलब इसको वॉश करेंगे। तो अब गोभी को वॉश करने के बाद इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और बाउल में अब हम बनाने वाले हैं मंचूरियन का बैटर। मंचूरियन का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप मैं यहाँ पे लूँगी कॉर्नफ्लोर का पाउडर, जो कि हमने इक्वल क्वांटिटी में दोनों ही लिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून हींग पाउडर लिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको याद रहे, पानी हमें एक साथ ज़्यादा ऐड नहीं करना, हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमें इसका एक घोल बनाना है और घोल जो है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा सा रखना है, इसीलिए पानी को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। और जब भी हमको लगेगा कि पानी की थोड़ी सी इसमें कमी है, तो हम थोड़ा सा पानी फिर से ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर से मिक्स करेंगे, बट एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो घोल हमारा बन करके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट बना है। अब जो गोभी हमने कट करके रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम गोभी को बैटर में मिक्स कर देंगे और सारी गोभियों के ऊपर हमें ये बैटर लगा लेना है कुछ इस तरीके से। हाथों को कंटिन्यू चलाते हुए हमें एक एक गोभी के स्लाइस पे ये बैटर को इस तरीके से लपेट देना है। तो अभी यहाँ पे गोभी एकदम रेडी है, तो अभी हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ इनको फ्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए। तो अभी हमने जो हमारी गोभी है उनको हम इसमें फ्राई करेंगे। याद रहे, गैस का जो फ्लेम है हमें इस टाइम मीडियम रखना है। तो सारी गोभी को अब हम ऑयल में डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो गोभी को हमें फ्राई करना है जब तक कि ये जो गोभी है वो थोड़ी सी गोल्डन और थोड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गैस का जो फ्लेम है हमको मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको सेकना है। और इस तरीके से अब हम गोभियों को पलट देंगे, क्योंकि हमें गोभी को जो है वो हर तरफ से सेकना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये जो गोभी है थोड़ी सी गोल्डन, थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो चुकी है। तो बस अभी हम क्या करेंगे, गोभी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप चाहें तो इसको ऐसे ही चटनी वगैरह के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर जैसे आपको मंचूरियन ना बनाना हो तो आप इस तरीके से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी फ्राई हो चुकी है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसके बाद हमने वही कढ़ाई ली है और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर ऐड किया है। और अब इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे पहले। इसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, इसमें मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके रखा था, उसको भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने एक बड़ा शिमला मिर्च छोटा छोटा कट करके रखा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, जिसको मैंने छोटा छोटा कट किया था, उसको भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अब हम इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी प्याज है ये थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और ये जो शिमला मिर्च है ये देखने में थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है। तो बस
अब ये जो हमारी शिमला मिर्च और हरी मिर्च और ये जो प्याज है ये फ्राई हो चुकी हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। आप इसकी जगह 3 से 4 हरी मिर्च को पीस के भी डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस ऐड करेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम है इस टाइम आपको मीडियम रखना है। और अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मंचूरियन पाउडर ऐड किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें कॉर्नफ्लोर का घोल बना करके तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं लिया, थोड़ा सा ही पानी लिया है। अगर आप ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को ड्राई मंचूरियन बनाना है तो मैंने इसमें बहुत ही कम पानी ऐड किया है। और अब हम इस कॉर्नफ्लोर के घोल को मसाले में डाल देंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद जो हमने गोभी फ्राई की थी उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम गोभी को मसाले में मिक्स कर देंगे। आपको याद रहे फ्रेंड्स, गैस का जो फ्लेम है इस टाइम आपको लो रखना है। और अगर आपको मेरा अब तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गैस का फ्लेम हमें इस टाइम लो रखना है और अब हम इसको इस तरीके से 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और हरे धनिया पत्ते को हम मंचूरियन में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मंचूरियन बनकर के हमारा एकदम रेडी हो चुका है और आप ये देख सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये बना भी बहुत ही टेस्टी है, तो आप इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आपको ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। आप इसको किसी के भी साथ ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पूड़ियों के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको पराठों के साथ खा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने मंचूरियन के साथ पराठे बनाए हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। और बस आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।